वेलकम टू एस पी डॉट नेट। एम वी सी प्रीवियस सेशन से मल्टीपल सेशन से हम एक मिनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि ई कॉमर्स या शॉपिंग कार्ट का था, और उसके अंदर हमने जो भी एक रूल्स बेस्ड वर्क थे वो हमने प्रीवियस सेशन तक एंड कर लिया था। एडिशनली कुछ काम की बारी थी जिसमें से हमें सबसे पहले तो ये करना था कि जो यूज़र है हमारे पास वो रजिस्टर्ड है नहीं इस वक्त, क्योंकि आपको अगर डेटाबेस के हवाले से याद दिलाता चलूँ तो हमने यहाँ पर एक यूज़र डमी तौर पर ऐड करवाया था, फाद एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड हीज पासवर्ड। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे मिनी प्रोजेक्ट के अंदर कि हम डायरेक्टली यूज़र को ये राइट्स दें कि वो अपने आप को रजिस्टर करे, विच मीन साइन अप और लॉगिन करे, देन ही उसके बाद वो ऐड टू कार्ड कर पाए। लिहाजा इस चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे से चलाने के लिए मैं कुछ कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा, और कहाँ से करूंगा वो चीज़ें मैं पहले आपको शो करता हूँ, उसके बाद फर्दर हम आगे चलते हैं। आप सबसे पहले यूट्यूब पर आने के बाद फास्ट डिजाइन ट्यूटोरियल से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, उसके प्लेलिस्ट पर आएंगे। प्लेलिस्ट पर आने के बाद आपको फर्स्ट या सेकंड थर्ड पे ही मिल सकता है ASP.NET MVC। इसके अंदर हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, मिनी प्रोजेक्ट, जिसमें हम रूल डिफाइन कर रहे थे मल्टीपल यूजर के, जो कि वीडियो नंबर 32 एंड 33 है। 32 के अंदर हमने पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ है, 33 के अंदर हमने पार्ट 2 किया हुआ है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट का जो कॉम्बिनेशन वर्क है वो मेरे ब्लॉग पर इस वक्त मौजूद है, fahadhussaincsblogspot.com पर आकर आप ASP.NET MVC पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा 32 एंड 33। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं अपने फोल्डर पे जाऊंगा और डायरेक्टली उस कंट्रोलर को एक्सेस करूंगा जिसका नाम रजिस्टर है, जिसके अंदर मैंने अपनी लॉजिक बनाई हुई थी कि एक्चुअली यूजर किस तरह से साइन अप या फिर लॉग इन कर सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने फोल्डर पे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। तो ये मेरा फोल्डर है जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद मौजूद है। मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद कंट्रोलर पर, और इस कंट्रोलर पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर के नाम से कंट्रोलर मौजूद है। मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद इसमें जो भी कोड है, जो हमारा कोड होगा वो साइनअप HTTP पोस्ट लॉग इन गेट एंड लॉग इन पोस्ट एज वेल एज लॉगआउट। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट पर आता हूँ, और जिस तरह से हमारे पास मल्टीपल कंट्रोलर थे जिस पर हम काम कर रहे थे, इसी तरह हम एक कंट्रोलर ऐड करवाएंगे रजिस्टर के नाम से। तो मैं कंट्रोलर पर जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के, और एक कंट्रोलर ऐड करवाते हैं। एम्प्टी रजिस्टर। ओके, तो जो एज इट इज कोड मैंने वहां से कॉपी किया है वो मैं यहां लाकर पेस्ट कर देता हूं, और अब यहां से हम समझते हैं कि हमारी लॉजिक क्या होगी। सबसे पहले जिस टेबल को हम यूज कर रहे हैं, आपको याद होगा हमारी टेबल का नाम यहां पर क्या है, टेबल यूजर। ठीक है, तो टेबल यूजर को हम यूज करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले जो यहां पर टेबल यूजर लिखा हुआ है मैंने उसको अपने उससे रिप्लेस कर दिया, ऑलरेडी ही वहां पर मौजूद था। कंट्रोल डॉट प्रेस करूंगा और इसे ऐड करवा लूंगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहां देख रहे हैं फादर्स एंड डीबी एंटिटीज लिखा है। इसका हल ये है कि जो आपके प्रोजेक्ट के वेब कॉन्फिग पे नाम है हम उसे यूज करेंगे, जो कि क्या है, डीबी प्रोजेक्ट एंटिटीज। वेब कॉन्फिग से कॉपी किया, और उसके बाद मैं अपने कंट्रोल पे वापस आता हूं और इसे उससे रिप्लेस कर देता हूं। और उसके बाद यहां पर मेंबरशिप की एक क्लास थी जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो क्लास का नाम है, पहले मैं इसे रिप्लेस कर देता हूं, वो टेबल यूजर है। तो हम इस मेंबरशिप को टेबल यूजर से ही रिप्लेस करेंगे। टेबल यूजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो टेबल यूजर पे जो यूजर नेम है वो कंट्रोल स्पेस करके मैं ऐड कराऊंगा, यू नेम। और इसी तरह जो मॉडल होगी उसमें भी हमारा यू नेम ही होगा। इसी तरह से पासवर्ड के लिए हम u_password इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेम मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसे पेस्ट कर दिया। इसी तरह से ये यू नेम आएगा, तो कंट्रोल स्पेस यू नेम, एंड यहाँ पर फॉर्म ऑथेंटिकेशन के लिए कंट्रोल डॉट प्रेस करके नेम स्पेस ऐड करवाएंगे, और डैशबोर्ड की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे हम। और ये लॉग आउट है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक सिस्टमैटिक बिल्कुल शॉर्ट टर्म कोड था, और ये सारी चीज़ें क्या काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस सेशन पे, विच मीन 32 एंड 33 में। तो पहली सजेशन ये है कि आप उन वीडियो सेशन को देखें ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों पर काम समझ सकें। इन ब्रीफली या फिर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूज़र को क्या एक्सेस दे रहे हैं कि वो साइन अप और लॉग इन कर ले, और जैसे वो लॉग इन कर लेगा तो हम उसे कहाँ पर रिडायरेक्ट करवाएंगे, अब मैं वो यहाँ पर फिल करने लगा हूँ। तो लिहाजा हमारे जिस कंट्रोलर के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, विच मीन ऐड टू कार्ट के ऑप्शन, वो होम वन है। तो सबसे पहले मैं अपने कंट्रोलर का नाम करता हूँ होम वन, और इंडेक्स पे ही इसे जाना है, लिहाजा होम वन पर हमारे पास ये इंडेक्स है जिसके ज़रिए से फर्स्ट UI दिख रही थी, तो हमने उसे भी चेंज कर दिया। अब बारी आती है कंट्रोलर बनाने की, सॉरी व्यू बनाने की। तो व्यू के लिए HTTP गेट साइनअप पर आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब हम ऊपर कुछ भी नहीं लिखते हैं अपने मेथड के, तो वो HTTP गेट होता है। साइनअप पर राइट साइन इन पर राइट क्लिक किया, आप साइनअप भी कह सकते हैं इसे, मैंने साइन इन लिखा हुआ वहाँ पर। व्यू जनरेट करेंगे किसके लिए कर रहे हैं भाई, क्रिएट करने के लिए। टेबल का नाम है टेबल यूजर, नीचे आएंगे, ये रहा टेबल यूजर, और DB एंटिटीज है, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे।
सेम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे लॉगिन के लिए, लेकिन लॉगिन पर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, यूज़र का नाम और उसका पासवर्ड। लिहाजा जो कॉन्टैक्ट नंबर या फर्दर दो एट्रीब्यूट आ रहे होंगे जो भी हैं उसको हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। लिहाजा कंट्रोल पर वापस चलता हूँ, HTTP गेट लॉगिन के लिए व्यू बनाता हूँ, राइट क्लिक करके एड व्यू, और यहाँ से हम लेंगे क्रिएट, सेम लॉजिक टेबल यूज़र, DB प्रोजेक्ट एंटिटीज ऐड किया, और जैसे हमारा व्यू आएगा हम दो चीज़ों से ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूज़र का नेम जो यहाँ पर मौजूद है, कॉन्टैक्ट नंबर की हमें ज़रूरत नहीं होती लॉगिन पर, लिहाजा मैंने इसे कमेंट कर दिया, और नीचे हमारा पासवर्ड है। तो ये लॉजिक तो हमारी पहली रेडी हो चुकी है कि एक्चुअली किस तरह से हम टेबल यूज़र को यूज़ करते हुए हम फर्दर आगे जाएंगे। आपको याद होगा कि हमने जिस कोड्स पे, यानी जिस प्रोजेक्ट से मैंने अपने कोड को कॉपी किया है, यानी वीडियो नंबर 32 33, वहाँ पर हमने इस तरह से फैसिलिटेट किया था यूज़र को कि यूज़र का नाम उस वक्त लिखा हुआ आएगा जब वो लॉगिन होगा, ठीक है, और जब वो लॉग आउट होगा तो उसका नाम हट जाएगा। लिहाजा इस काम के लिए मैंने अपने व्यू के शेयर्ड के फोल्डर पर लॉग इन पार्शल की एक क्लास होती है, इस लॉग इन पार्शल के अंदर हमने अपनी लॉजिक बिल्ड की हुई थी। लिहाजा मैं इसे ओपन करता हूँ नोट पैड पर, ठीक है, ये हमारी सिंपल लॉजिक थी, तो मैंने इस लॉजिक को यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। वाज़ेर है, दोबारा बताते चलूँ, व्यू के फोल्डर में शेयर्ड है, शेयर्ड के अंदर सेकंड फाइल थी लॉगिन पार्शल जहाँ से मैंने कोड को कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद अपने कंट्रोलर पर वापस आऊँगा और अपने इस प्रोजेक्ट के व्यू के फोल्डर पर जाऊँगा जहाँ पर शेयर्ड मौजूद है और शेयर्ड के अंदर लॉगिन पार्शल है। आप इसमें देख रहे हैं ये जो लॉजिक बनी हुई है ये MVC टेम्पलेट की वजह से, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो UI पर ऊपर जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं वो इसके जरिए से दिख रही होती हैं, एज लाइक यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही होती हैं, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज़ को मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद जो कोड मैं वहाँ से कॉपी करके लाया हूँ वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इसके अंदर हमने क्या लॉजिक इस्तेमाल की हुई है कि ऑथेंटिकेशन को कॉल करते हुए ये बताया हुआ है कि अगर यूज़र ऑथेंटिक है तो उस आइडेंटिटी का नाम शो करो और साथ ही साथ लॉग आउट का ये एक्शन लिंक शो कर दो, ताकि जब उस पर क्लिक करेगा यूज़र तो वो लॉग आउट हो जाएगा। अगर यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं है, यानी यूज़र रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो उसके लिए साइन इन और लॉगिन का हेडर एरिया पर दोनों लिंक शो कर दो, जिसके जरिए से वो अपनी लॉजिक बिल्ड करेगा। फाइनली काम क्या करना है हमें, फाइनली काम हमें वेब कॉन्फिग के अंदर करना होता है। आपको याद होगा कि वेब कॉन्फिग के अंदर हमारे पास एक सिस्टम डॉट वेब के अंदर ऑथेंटिकेशन मोड होता है जिसको हम फॉर्म करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर वो URL सेट करते हैं कि यूज़र अगर ऑथेंटिक नहीं है और वो डायरेक्टली किसी ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है विच मीन होम वन को, तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पर, उस जगह पर जहाँ पर हमारे साइनअप की लॉजिक मौजूद है। उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ से उस कोड को लेकर आना है जो कि बहुत शॉर्ट सा है, लेकिन मैं इसलिए सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप जब वो प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे तो बड़े आसानी के साथ आप उस पर काम कर सकें। लिहाजा इसके लिए ये रहा वेब कॉन्फिग हमारे प्रोजेक्ट का, मैंने इसे नोटपैड पर ओपन किया और हियर इट इज़ ऑथेंटिकेशन, मैंने इसे कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट पर आया और इस लाइन को इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे कंट्रोलर का नाम है उसकी स्पेलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर रजिस्टर है, और जिस चीज़ पर मुझे जंप करवाना है वो लॉगिन है। लिहाजा जो स्पेलिंग यहाँ रखी लिखी हुई है हमें बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो रजिस्टर हमारे कंट्रोलर का नाम है और ये लॉगिन हमारा एक्शन मेथड है। तो सारी चीज़ें रेडी हो गई है, अब हम चलेंगे साइन इन के व्यू पर और यहाँ से प्रोग्राम चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम टेबल यूज़र को यूज़ करते हुए क्या डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से साइन इन करूँगा तो साइन इन किए बगैर भी तो मैं होम वन के इंडेक्स के व्यू पर जा सकता हूँ ना, ठीक है। पहले मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो होम वन ये रहा, जिसके अंदर हमारी फर्दर प्रीवियस सेशन तक जितनी लॉजिक थी वो रेडी थी। तो मैं होम वन के इंडेक्स पर आता हूं और प्रोग्राम डायरेक्टली यहां से रन करता हूं, क्योंकि अभी तक हमारी जो लॉजिक है वो फिल्टर को यूज़ किए बगैर है, ठीक है। फिल्टर क्या है वो भी मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन पर डिस्कस कर चुका हूं, पहले हम इसके व्यू पर चलते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने प्रोग्राम को अपने होम वन के इंडेक्स के व्यू से रन किया वो डायरेक्टली रन हो गया, और अभी जो हमारे साइनअप और लॉगिन बनाने का पर्पस था वो यही था कि जब तक यूज़र अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करेगा यानी लॉगिन नहीं करेगा उस वक्त तक वो होम वन और इंडेक्स को व्यू ना कर पाए, यही रिस्ट्रिक्शन हमें लगानी थी। क्योंकि हमने लॉजिक तो बनाई है लेकिन अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन डिफाइन नहीं की है, यही वजह है कि हम इस पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। लिहाजा रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट पे वापस आऊंगा और जिस प्रोजेक्ट के एक्शन मेथड को मैंने कॉल किया था विच मीन होम वन, यहाँ पर कंट्रोलर लेवल पर मैं एक फिल्टर का इस्तेमाल करूंगा जिसको हम कहते हैं ऑथराइज। ऑथराइज फिल्टर, ब्रीफली अगर यहाँ पर बात करूँ तो ऑथराइज फिल्टर का यहाँ काम ये है कि ये एक्शन, ये कंट्रोलर जिसके अंदर फर्दर एक्शन मेथड मौजूद है, ये उस वक्त तक एक्सेस नहीं हो सकता जब तक यूज़र उस लॉजिक के मुताबिक अपने आप को रजिस्टर्ड ना करे जो कि मैंने रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर बताया है। जब वो रजिस्टर कर लेगा देन वो होम वन के तमाम एक्शन मेथड को एक्सेस कर सकता है। ओके, तो अब हम दोबारा से चलेंगे होम वन के इंडेक्स के व्यू पर और दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या मैं रिडायरेक्ट हो रहा हूँ अपने रजिस्टर स्लैश साइनअप पर या लॉगिन पर या नहीं। लेट्स सी।
ओके, तो आप देख रहे हैं कि होम वन का इंडेक्स लिखा आ रहा है, ठीक है, लेकिन आउटपुट पे देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है. सो इट इज अंडर प्रोसेस. एंड हियर वी गो. तो आप देख रहे हैं कि अकाउंट लॉगिन पर आ चुका हूं मैं, लेकिन मुझे अकाउंट लॉगिन पर नहीं आना है बल्कि रजिस्टर्ड लॉगिन पर आना है, विच मीन यहां पर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है मुझे. तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट के ऐप स्टार्ट पर आएंगे, और ऐप स्टार्ट के अंदर हमारे पास startup.auth.cs की एक क्लास है. यहां पर आने के बाद आप यहां पर देख रहे हो लाइन नंबर 28 पर मेंशन हुआ हुआ है कि जो हमारी पाथ है लॉगिन की वो account/login. हालांकि मुझे अकाउंट पर नहीं लेके जाना क्योंकि मैं एमवीसी टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहा हूं. यही वजह है कि हमें पता है कि लोकल स्टोरेज के साथ एमवीसी प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन और साइनअप बना होता है, लेकिन हम उससे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी लॉजिक बनाई है. लिहाजा अकाउंट जो कंट्रोलर का यहां पर नाम है, जो आप कंट्रोलर पर देख रहे हैं, डिफॉल्ट तौर पर बना होता है, हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं. हमने रजिस्टर के नाम से अपनी लॉजिक बनाई है, तो मुझे यहां पर वो लिखने की जरूरत होगी. वो मैंने लिखकर सेव किया. सेव करने के बाद दोबारा इंडेक्स के व्यू पर आता हूं होम वन के, और होम वन के व्यू पर आने के बाद प्रोग्राम को चलाते हैं और दोबारा देखते हैं कि क्या वो गलती हमारी रिजॉल्व हुई है या नहीं. एंड नाउ इट्स वर्क. अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने वहां पर उस चीज को चेंज किया तो उसने डायरेक्टली रीडायरेक्ट किया कहां पर, हमें लॉगिन पर, रजिस्टर के लॉगिन पर. ऑल दो रजिस्टर के लॉगिन पर लाने की वजह यह है कि यूजर अपने आप को रजिस्टर किया हुआ उसने, तो उसको लॉगिन करने की जरूरत है. आप साइनअप भी करवा सकते हैं, यानी साइन इन भी वहां पर लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट साइन इन पर आ जाएगा. पहले मैं चेक करता हूं कि जिस रिकॉर्ड को मैंने ऑलरेडी हार्ड कोडेड यहां पर सेव करवाया हुआ है, विच मीन फहद एंड फहद 123, उसके जरिए से क्या हो रहा है. तो मैंने नाम पेस्ट किया यहां पर, पासवर्ड भी किया, ठीक है. पासवर्ड यहां पर विजिबल हो रहा है, आपको पता होना चाहिए पासवर्ड के लिए क्या करते हैं. जहां पर हमारी क्लास है, जब मैं तमाम डेटाबेस को लेकर आ रहा हूँ टेबल से मॉडल के अंदर, तो वहां पर जाकर हमें उनकी क्लास के ऊपर क्या करना होता है, डेटा टाइप पासवर्ड लिख देना होता है, तो ये विजिबल वहां पर नहीं होगा. खैर, तो क्रिएट पर क्लिक किया मैंने एंड इट इज नॉट हैंडलिंग. ओके, तो लॉगिन ना होने की वजह ये समझ में आती है हमें, क्योंकि जब हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया है तो हमें, क्योंकि मैं एमवीसी टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट है फॉर्म ऑथेंटिकेशन के लिए, अब इसकी जरूरत नहीं रहती. यही वजह है कि जब भी मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो आप ऊपर यूआरएल पे देख रहे हो वो नाम लिखा आ रहा है, ठीक है. लिहाजा मॉड्यूल्स के अंदर जो फॉर्म ऑथेंटिकेशन मौजूद है, मैं इसे कमेंट करूंगा. कमेंट करने के बाद हमें क्या करना है, आपको याद होगा बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे पास लेआउट था उसको हमने कमेंट कर दिया था, ठीक है. तो मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ ताकि जो हमने चीज पार्शल लेआउट पे, यानी लॉगिन पार्शल पे कॉल की हुई है, विच मीन दिस वन, वो हमें विजिबल हो. वो अभी विजिबल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये कमेंट एरिया पर आया हुआ था, यही वजह है कि ये चीजें शो नहीं हो रही थी. इन चीजों का काम नहीं है मुझे, मैं इनको हटा देता हूँ. ऑल दो आप चाहें तो इसकी जगह पर वो चीजें भी लिख सकते हैं जो वहां पर मौजूद थी. कंट्रोल एस करता हूँ. कंट्रोल एस करने के बाद इंडेक्स के व्यू पर आता हूँ, प्रोग्राम रन करता हूँ. ओके, तो जैसे ही मैंने किया आप देख रहे हैं कि मैं रिडायरेक्ट होकर रजिस्टर के लॉगिन पर आ चुका हूं, और अब हमारा वो यूआरएल जो है था 2% ऐप इस तरह की चीजें जो लिखी हुई आ रही थी वो अब नहीं आ रही हैं, और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि लॉगिन और साइनअप भी चीजें हमारी वो जो लिंक हमने क्रिएट किया था वो वहां पर बनी जा रही है. लिहाजा मैंने लॉगिन पर क्लिक किया तो ऑलरेडी रजिस्टर के लॉगिन पर हूं. जो यूजर नेम पासवर्ड था हमारा जिस टेबल पर वो ये है, और मैंने यहां से यूजर नेम लिया, और इसके अलावा हमने यहां से पासवर्ड लिया, पेस्ट किया, क्रिएट पर क्लिक करता हूँ एंड हियर इट इज. अब मैं आप देख रहे हैं कि हाय फाद यहाँ लिखा रहा है, लॉग आउट का लिंक भी बना आ रहा है, और इसके अलावा जो भी फर्दर आपकी वर्किंग है वो सो ऑन बिल्कुल वैसे ही चलेगी जिस तरह से चल रही थी. आप तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं. चेकआउट पर जाकर तमाम चीज़ें शॉप करेंगे. शॉप करने के बाद आप व्यू पर आएंगे, क्योंकि अभी मैंने सेशन आईडी वहाँ से हटाई नहीं है. वहाँ पर आईडी मौजूद थी, आपको याद होगा, तो अब हमें उस आईडी को हटाने की जरूरत है क्योंकि डमी तौर पर वहाँ पर यूज़ की हुई थी. लिहाजा उसके लिए हम मूव करेंगे प्रोजेक्ट. सो इस एरर को हैंडल करने के लिए तुम्हें याद होगा कि हमने हार्ड कोडेड एक सेशन वैल्यू बनाई हुई थी आईडी की एक वन देकर. लिहाजा अब हम जिस टेबल को इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेबल यूजर है जिसके अंदर एक रिकॉर्ड मौजूद है फाद फाद 123 पासवर्ड के साथ. लिहाजा अब हम सेशन जो यूजर आईडी के लिए हार्ड कोडेड है इसे हम टेबल के जरिए से बनाएंगे. लिहाजा जो टेबल मैं यूज कर रहा हूँ वो टेबल यूजर है. लिहाजा इसके नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेबल यूजर, और उसके बाद इसी सेशन आईडी को हम इस्तेमाल कर लेंगे एज अ वेरिएबल, ताकि जो फर्दर नीचे कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत ना हो. लिहाजा मैं dbs.useridi, ठीक है, और उसके बाद एट लास्ट हम उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, और अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये एक आसान सी चेंजेस थी जो हम एक हार्ड कोडेड वैल्यू को यहाँ पर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, और जो ये यूज़ हो रहा है, यानी ये सेशन यूज़र आईडी जो यहाँ पर यूज़ हो रही है वो हमारा ये पार्ट है, ठीक है.
जिसके ज़रिए से वो वैल्यू ऑलरेडी स्ट्रिंग में कन्वर्टेड है, और उसके बाद वो कन्वर्ट होगी ताकि इन फ्यूचर जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो ट्रांजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द आईडी यहाँ पर जारी होती है, जो कि बिल्कुल हमने स्टार्टिंग पे भी देखा था। और अभी हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है जिसको हमने हार्ड कोडेड भी कर लिया। जिस तरह से लॉगिन का सिस्टम है उसी तरह साइनअप का भी सिस्टम है, आप साइनअप को भी रन करके उसी फॉर्म से ऑनवर्ड आगे जा सकते हैं जो हमने देखा। तो होपफुली सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है वीडियो को एक से दो मरतबा मजीद देखो, कुछ चीज़ें पॉइंट होती हैं जो टाइम टू टाइम समझ में आती हैं, प्रैक्टिस करते रहोगे। कोड मैं अपने ब्लॉग spot.com पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ, वहाँ से आप उसको एक्सेस करके कोड करें। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट जरूर करें, जो भी बात समझ में नहीं आई कोशिश करूँगा आपको जवाब दे सकूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोस हैं, जो हमारे मिनी प्रोजेक्ट या इसके अलावा जो भी अपकमिंग डेज पर आने वाली हैं, वो आपको वक्तन फवक्तन उसके हवाले से अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।